नमस्कार, जानने का हक आपके शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, जानने का हक आपके शहर में इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम की सीरीज़ को, इसकी श्रृंखला को हमने शुरू किया था ये जानने के लिए कि देश के अलग अलग शहरों में आरटीआई को लेकर दरअसल क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह की दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, कितने लोग आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस तरह की आरटीआई लोग लगा रहे हैं और कैसे आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून की मदद से लोग सशक्त हो रहे हैं, इसी सिलसिले को हम अपने इस कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार हम पहुंचे थे देहरादून और हमने देहरादून और उत्तराखंड में आरटीआई को लेकर क्या हालत है उसका जायज़ा लिया था और इस बार हमारी टीम पहुँची है मुंबई में। कभी न रुकने वाला शहर मुंबई, कभी न थकने वाला शहर, न कभी थमने वाला शहर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है और ये वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है। लेकिन ये शहर सिर्फ जागता नहीं है बल्कि ये जागरूक नागरिकों का शहर भी है। यहाँ के नागरिक बहुत जिंदा दिल भी हैं और बहुत जागरूक भी। अपने हक और हकूक को लेकर लोग संघर्ष करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए अगर मुंबई की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। एक मोटा आंकड़ा ये बताता है कि महाराष्ट्र में हर साल करीब करीब 8 लाख से ज़्यादा आरटीआई लगती हैं। लेकिन अगर 8 लाख से ज़्यादा आरटीआई लगती हैं तो एक चिंता की बात ये भी है कि मुंबई वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों के उत्पीड़न की खबरें भी मुंबई शहर से ही आती हैं और अगर कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है जहां पर कि पेंडिंग जो केसेस हैं यानी आरटीआई के जो पेंडिंग केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। करीब करीब 34,000 से ज़्यादा आरटीआई केस यहां पेंडिंग है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा है कि चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या फिर महाराष्ट्र का राज्य सूचना आयोग या फिर तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट, वो लगातार इस कानून का ज़्यादा से ज़्यादा, किस तरह से इस कानून की बेहतरी हो, किस तरह से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसी तमाम स्टोरीज़ को, ऐसे ही तमाम प्रयासों को हमारी टीम ने मुंबई भर में तलाशा और एक एक करके उनको जोड़ा है। जी हाँ, ऐसे हम आपको तमाम प्रयास दिखाएंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि इसी साल यानी साल 2015 में राज्य सरकार ने आरटीआई को, आरटीआई कानून को ऑनलाइन कर दिया, जो कि एक अच्छी और बहुत ही सुखद पहल है। दूसरी तरफ माहिती अधिकार मंच जैसे एनजीओ हैं जो लगातार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आरटीआई वेब पोर्टल चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए। ऐसी तमाम स्टोरीज मुंबई से निकल कर आई हैं। देखते हैं ये तमाम स्टोरी जो हमारे संवाददाताओं ने जुटाई हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कहा कि आरटीआई कानून को सरल, सुगम और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने हर स्तर पर काम करने की बात कही है। इसी कड़ी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में भाजपा की नवनिर्मित फडणवीस सरकार ने आरटीआई को ऑनलाइन करने की पहल की है, जिसके तहत 1 जनवरी से महाराष्ट्र सचिवालय में ऑनलाइन आरटीआई लगाने की सुविधा सरकार ने शुरू कर दी है। अब 1 अप्रैल 2015 से महाराष्ट्र के सभी सरकारी विभाग में लोग ऑनलाइन आरटीआई लगा सकेंगे। ये पूरे देश भर में जन जन तक ये जाए और इसको और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। महाराष्ट्र में भी हमारे मुख्यमंत्री प्रकांड विद्वान हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी नज़रिया इस कानून के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। महाराष्ट्र सरकार भी इस बात पर सकारात्मक ढंग से विचार कर रही है। सरकार की ये कोशिश अच्छी है। पहले ही दिन सचिवालय में 43 ऑनलाइन आरटीआई लगी। भविष्य में भी इसके बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं, बशर्ते इस योजना का पालन और उसकी निगरानी सही ढंग से हो। देश में तकरीबन 60-65% युवा हैं जो आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन आरटीआई से जब देश का युवा जुड़ेगा तो कानून का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिससे पारदर्शिता का ग्राफ भी बढ़ेगा। देखिए, पहल बहुत अच्छी है और इसकी काबिले तारीफ कही जा सकती है। एक अच्छी कोशिश है कि लोगों को जो है वो ऑनलाइन बैठ के आरटीआई फाइल करने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल नतीजा मैं जब देखता हूँ दिल्ली में बैठकर या बिहार में, मैंने खुद बहुत सारी आरटीआई फाइल की हैं,
तो इन्फॉर्मेशन मिलने में अभी भी जो है PIOs आनाकानी कर रहे हैं। सरकार के इस कदम का RTI एक्टिविस्ट ने स्वागत किया है। इससे पहले बिहार और दिल्ली में भी RTI ऑनलाइन की सुविधा है, महाराष्ट्र में अब ऑनलाइन RTI लगाने की सुविधा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए लोग RTI का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड़ का भी मानना है कि ऑनलाइन RTI की सुविधा कानून के विस्तार और प्रचार प्रसार में काफी मददगार साबित होंगी। RTI एक्ट में 26 सेक्शन है, 26(1), जिसमें लिखा है कि ये RTI एक्ट समाज के विभिन्न जो अंग है और विशेषता जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उनके पास यह एक्ट ले जाना चाहिए, उनको ये एक्ट के द्वारा सेंसिटाइज करना चाहिए। और कमीशन ने महाराष्ट्र के विविध भागों में जाके दिन दिन भर RTI के वर्कशॉप लिए। मुंबई में नई सरकार ने RTI कानून को ऑनलाइन कर यहां के लोगों को साल 2015 का तोहफा दिया है, लेकिन इस पहल से कितने पैमाने पर लोगों का जुड़ना हो पाता है वो इस पहल के मकसद को काफी हद तक तय करेगा। जागरूकता ही पारदर्शिता है और पारदर्शिता ही सूचना का अधिकार। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, शायद इसीलिए पारदर्शिता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार, आर्टीआई कार्यकर्ता और बिल्डर माफिया के बीच संघर्ष चलता रहता है। लेकिन इस संघर्ष में जीत होती है पारदर्शिता की, सच्चाई की और सूचना का अधिकार की। महती अधिकार मंच है महाराष्ट्र मुंबई में, जो कि जगह जगह RTI स्टॉल लगाते हैं और लोगों को बताते हैं इसके बारे में। करीब 9 साल से यह मंच जगह जगह RTI स्टॉल लगा रहा है और लोगों को RTI कानून के बारे में जागरूक कर रहा है। इन 9 सालों में यह माहिती अधिकार मंच करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों तक RTI की जानकारी पहुंचा चुका है। महाराष्ट्र मुंबई में जागरूकता का प्रतिशत बढ़ाने में यहां के RTI कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। सूचना अधिकार के बारे में इस्तेमाल कैसे करना, क्या करना, क्यों करना, क्या कारण है, इसलिए हम एक पारदर्शिता आने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं। हम इधर लोगों को इस्तेमाल करते समय कैसे ढंग से इस्तेमाल करना, किस जगह में इस्तेमाल करना, इसके क्या राइट्स दिए गए हैं, इसकी इस कायदे में जो इंस्पेक्शन का जो क्लॉज दिया गया है, जैसे हम सामाजिक के परिसर के बारे में या सामाजिक के कल्याण जो खर्च किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स लेके लोगों को इसके बारे में बताने की हम कोशिश करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि RTI कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, जिससे इस कानून का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इस कानून को सरल सुगम बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून का इस्तेमाल कर सके। कानून की खूबियां, RTI कानून की बारीकियां और इसके मकसद से लोगों को जागरूक करना, ये महती अधिकार मंच यानी RTI स्टॉल की खूबी है। इस संगठन का अहम मकसद है कि देश के युवाओं को RTI से जोड़ना, जिससे RTI का प्रचार प्रसार ज्यादा हो सके। बड़ी तादाद में युवा इस कैंप से RTI की जानकारी हासिल करते हैं और इस तरह इसका मकसद भी सिद्ध होता हुआ नजर आता है। वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो हम लोग 10 लोगों को बताएं, ताकि जो उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रोवाइड हो सके एंड उनके जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ से सॉल्व आउट हो सके। यहाँ आके मुझे ये पता चला कि इनका जो प्रोसीजर इन्होंने समराइज कर रखा है यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में, तो ये इट्स क्वाइट यूजफुल। आप यू कैन गो इनटू इट एंड क्विकली लुक एट इट कि क्या होता है। 30 डेज में अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं हुई तो आप फिर आगे अपील कर सकते हैं। माहिती अधिकार मंच से जुड़े RTI कार्यकर्ता एक तरफ RTI स्टॉल लगाकर इसका प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। RTI कानून के सहारे छोटे से लेकर बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में महाराष्ट्र में सूचना के सिपाही बड़ी हिम्मत और मेहनत से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई में ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं जो कि बड़े बड़े घोटाले को जो खुलासा RTI से हुआ, चाहे आदर्श सोसाइटी स्कैम हो या फिर जो मुंबई नगर पालिका में बहुत सारे ऐसी RTI लगी है। इसमें RTI से सामने आया कि सबसे ज़्यादा RTI जो पेंडिंग है मुंबई महानगर पालिका में है। बहुत से आदमी लोग अर्जी करते हैं ऑफिस में लेकिन उनका आंसर मिलता नहीं, इसके लिए ये RTI यूज करके वो आंसर उसका जवाब ले सकते हैं। और जब भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है और वो फ्रॉड होता है तो वो डिपार्टमेंट के एक पहला सादा लेटर लिखने का, बाद में उसमें RTI लिख के उसके ऊपर क्या हो गई उसके ऊपर वो मालूम कर सकते हैं।
इसलिए वो भ्रष्टाचार निकल सकते हैं। माहिती अधिकार मंच जिस तरह से आरटीआई कानून की जागरूकता के लिए काम कर रहा है, उसकी ये कोशिश वाकई काबिले गौर है। साल की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई को ऑनलाइन करने की एक शुरुआत की है, एक पहल की है, ये काफी काबिले गौर है। लेकिन कुछ ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं देश में जो कि आरटीआई वेब पोर्टल चलाकर आरटीआई लगाने को में लोगों की मदद करते हैं और छोटी सी फीस लेते हैं, जो कि काफी अच्छा कदम है। अक्टूबर 2005 में देश को सूचना का अधिकार कानून मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रहार से ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आजादी के बाद ये पहला ऐसा कानून जनता को मिला जिसने देश की पारदर्शिता को मजबूत किया। एक दशक के अपने सफर में यह कानून आगे ही बढ़ता गया। मुंबई में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे नौजवानों से हुई जिन्होंने आरटीआई पोर्टल बनाकर लोगों की आरटीआई लगाने में मदद कर रहे हैं। इस यूथ ग्रुप में वो नौजवान शामिल हैं जो भ्रष्टाचार को कमजोर करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। 6 महीने 9 महीने तक हमने फ्री में आरटीआई वेबसाइट स्टार्ट कर दी 2012 अगस्त में, और फ्री में आरटीआई एक्सेप्ट करने लगे। बट हमको रिक्वेस्ट मिलते गए। प्रवीण कुमार अपने दोस्तों के साथ ये पोर्टल चलाते हैं। आरटीआई लगाने वाले लोग इनसे संपर्क करते हैं। प्रति आरटीआई की फीस 100 रुपए लेते हैं, पर अगर किसी स्टेट में आरटीआई की फीस ज्यादा हो तो फीस थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। फीस हमने रखा है 99 रुपीस, लेकिन जो स्टेट्स में गवर्नमेंट की आरटीआई फीस 10 रुपए से ज्यादा है वहाँ हम लोग वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी स्टेट्स में 10 रुपए चार्ज है वहाँ आरटीआई का फीस है 99 रुपीस। यहाँ जैसे हरियाणा में 50 रुपीज़ चार्ज है तो हमारी फीस है 149 रुपीज़। ठीक है, प्रवीण आरटीआई का फॉलोअप भी करते हैं। प्रथम अपील, द्वितीय अपील, हियरिंग, सब प्रवीण की जिम्मेदारी। सूचना का अधिकार कानून में सवालों की बड़ी भूमिका रहती है। आपके सवाल कैसे हैं, कहीं सवाल लंबे या जो पूछना चाहते हैं उनसे भटके सवाल तो नहीं, इसके लिए प्रवीण पहले आवेदक से बात करते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। हमने एक कॉमन वेबसाइट बनाया ऑल ओवर इंडिया के लिए, जिसमें सिंपल तरीके से आप सिंपल भाषा में लिखो कि आपको किस तरह का आरटीआई चाहिए। अभी अगर आप अच्छी तरीके से आरटीआई नहीं लिखोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ पीआईओ कुछ ऑर्डर्स को कोट करके जवाब नहीं देते, राइट। तो हमारे वेबसाइट में onlinerta.com में सिर्फ ईमेल डालो, फ़ोन नंबर डालो और सिंपल भाषा में लिखो कि आपका रिक्वेस्ट क्या है। उसके लिए भी हमने कुछ टेम्पलेट्स भी देके रखे। अगर आपका पासपोर्ट अटका हुआ है तो आप पासपोर्ट फॉर्म सिलेक्ट करो, नंबर डालो और बाकी हम लोग अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं। तो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं उसको अच्छे से। देश सोशल मीडिया पर फैलता जा रहा है। ऑनलाइन आरटीआई, आरटीआई मोबाइल ऐप, आरटीआई पोर्टल, आरटीआई कैंप, आरटीआई क्लिनिक, ये है जागरूकता और वो शिद्दत जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश की जनता को आगे कर रही है। अब तक प्रवीण आरटीआई पोर्टल के सहारे 50,000 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। एक दशक में इस कानून ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर फैल चुकी हैं कि आज भी लोग राशन पेंशन जैसे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्हें आरटीआई की मदद लेनी पड़ रही है। लोग आजकल कार्टून्स प्रेफर करते हैं, जो कॉमेडी है, थोड़ा सा कॉमेडी अटैच होता है, तो लोग जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स आरटीआई बड़े लोगों से अब छोटे लोगों को, जिन कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे तरफ जा रहा है तो सोशली ऐसे ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे फेसबुक में हमारा पेज है जिसका 3000+ लाइक्स है अभी, 3400 एग्जैक्टली, और उसी से हम बहुत सा यू नो प्रोपगेट करते हैं कि लोग को रीच करता है। वैसे आरटीआई कानून की धारा 26 में साफ कहा गया है कि इस कानून का प्रचार प्रसार किया जाए, पर यहाँ भी निराशा के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही लोग हैं जिनकी जागरूकता के चलते शायद भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना साकार हो सके।
तो देखा आपने कि रघु और प्रदीप जैसे IITian हैं जो पढ़ाई के साथ साथ सूचना अधिकार कानून के सहारे पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अच्छी पहल कर रहे हैं। इन्होंने RTI पोर्टल ऑनलाइन खोल रखा है जिससे देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति RTI डाल सकता है, इनके पास वो मेल करे और ये फिर फॉलोअप करते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है। वैसे सरकार का काम है कि सूचना अधिकार कानून के प्रचार प्रसार में वो फंड दे, पैसा खर्च करे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी ये लोग RTI को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सहयोगी आकिब खान के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, मुंबई। तो ये थे कुछ ऐसे प्रयास कि जिसके तहत RTI को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाने की कोशिशें चल रही हैं मुंबई शहर में। जानने का आपके शहर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि RTI दरअसल किस तरह के बदलाव ला रहा है मुंबई में। इस ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं कि मुंबई में पिछले 11 सालों में जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन से कटकर मरने वालों की तादाद करीब करीब 23,000 है। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हर साल करीब करीब 700 बच्चे लापता होते हैं और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि पिछले 6 सालों में मुंबई में डेंगू के मामले 10 गुना बढ़ गए हैं। ये तमाम आंकड़े हैं जो RTI से सामने आए और ये दिखाते हैं कि सिस्टम में दरअसल कहाँ कमियां हैं। लेकिन एक तरफ RTI अगर सिस्टम की कमियों को तो निकाल देता है, कमियों को जरूर उजागर करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इससे बदलाव भी आता है। जी हाँ, बदलाव आता है, सिर्फ ज़रूरत पहल करने की है। और ऐसे कई RTI के सिपाही हैं जो इस तरह से आंकड़े निकालते हैं और पहल करते हैं जिससे बदलाव आता है। हमारी मुलाकात एक ऐसे ही RTI कार्यकर्ता से हुई जो दोनों पैरों से विकलांग है, लेकिन उसके हौसले बहुत ही ऊंचे हैं और वो घर बैठकर ही सूचना अधिकार कानून के प्रयोग करके उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। गोल्डन आवर, वो समय जिसमें किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, किसी अपने का साथ छूटने से रोका जा सकता है। हादसे के बाद 1 घंटे का समय किसी भी घायल के लिए जीवन और मौत का समय होता है। मुंबई दादर के रहने वाले समीर झावेरी भी ट्रेन हादसे का शिकार हुए। कई घंटों तक सड़क पर तड़पते रहे पर मदद के लिए कोई नहीं आया। इस हादसे में समीर को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे। समीर ने सूचना अधिकार कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि आपातकालीन सेवा के लिए मुंबई शहर में कितनी एम्बुलेंस सेवाएं हैं। महिती दीघा से पता चला फर्स्ट एड नहीं होती थी, एम्बुलेंस नहीं थी, उनको नियरेस्ट पैड हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते थे, तो मेडिकल धीरे होने से ही लोगों की मौतें और होती थी जो बचाई जा सकती थी जाने। तो ये सब महिती अधिकार से हमने पाठ पुरावा करके माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका किया, घंटे में कोर्ट का रेलवे के जनरल मैनेजर साहब के खिलाफ याचिका किया जिसमें नोटिस जनरल मैनेजर साहब को इश्यू हो गया कि आपने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। उसके बाद फिर नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से रेलवे ने टाई अप किया। RTI से पता चला कि मुंबई जैसे व्यस्त शहर में सिर्फ 250 ही एम्बुलेंस सेवा है, जबकि हर साल लोकल ट्रेन से ही 7,000 से ज्यादा लोग हादसे का शिकार होते हैं। समीर ने ठान लिया कि अब सड़क पर किसी को तड़पने नहीं दिया जाएगा। समीर ने स्वास्थ्य विभाग में RTI के सहारे मुहिम शुरू कर दी। जब विरार स्टेशन के सामने ही 1 मिनट भी नहीं लगेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल से भी बेहतर था। तो वो हाईकोर्ट में हमने पाठ पूरा हुआ किया कि देखो सामने प्राइवेट हॉस्पिटल 35 किलोमीटर लोगों को जा रहे हैं और करीबन 60% लोगों की मौतें होती है। अगर सामने लेके जाएंगे तो मौत कम होगी, जान बचेगी, खून जो बहता है हमारे शरीर में 8 लीटर तो खून है, तो 10 मिनट भी अगर देर हो गई तो जान बचने का चांस कम होता है। तो वो सब पाठ पूरा विषय में जो उनकी इमीडिएट जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी, वो सामने आई सच्चाई, और वही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूत के तौर पे रखा। समीर की RTI की बदौलत मुंबई वासियों को 937 नई आपातकालीन सेवा मिली। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि अस्पताल के साथ साथ हर रेलवे स्टेशन पर भी एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी ताकि किसी भी हादसे में घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया जा सके। समीर की RTI के बाद ही दादर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य सेवा के लिए आपातकालीन रूम भी बनाया गया। अप्रैल 2014 में 937 एम्बुलेंस सर्विस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 108 हेल्पलाइन थ्रू चालू किया
फिर जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में दादर स्टेशन, वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल रूम एस्टेब्लिश हुआ, वो तो रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था ऑर्डर को। रेलवे विभाग ने स्टेशन के पास के सभी अस्पतालों से टाई अप किया ताकि किसी भी घायल को तुरंत इलाज मिल सके। वैसे सरकार में बैठे लोग भी पारदर्शिता के लिए प्रयास कर रहे हैं। आरटीआई एक ऐसा शस्त्र है कि जो उसे चलाना जानता है, तो मैं ऐसे मान करके चलता हूं कि हर आदमी अपने आप में एक बहुत बलवान इस शस्त्र का उपयोग करे तो है। विधायक के तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसरों से मिलना होता है, तो इन सारी व्यवस्थाओं में दिखता है कि कई जगहों पर अफसर जो है वो पूरी तरह से चुस्त है, बरसों से उनको आदत लगी है धन लेने की, बरसों से उनको आदत लगी है, जब तक वो पैसे का वहाँ पे बल नहीं रखा जाता तब तक वो फाइलें आगे नहीं बढ़ती। पर अब भाजपा की सरकार है, इसके लिए अभी वो विषय ही नहीं उठता, पर तो भी ये कानून के तहत, इस कानून के उपयोग से काम करना बहुत आसान हो जाता है। मुंबई में पूरे देश की नजर रहती है, शायद इसीलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर जनता सेवा की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। घाटकोपर से विधायक राम कदम हर समय इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता हो। इस विषय पे एक बुनियादी बात को हमें समझना होगा कि सरकार की और प्रशासन की काम करने की जो पद्धति है उसमें यदि हम पारदर्शिता चाहते हैं तो आरटीआई का कानून ये सबसे बड़ा तोहफा इस लोकतंत्र में लोगों के लिए है, और इसके तहत प्रशासन पर भी अंकुश होता है, सरकार पर भी अंकुश होता है। समीर ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से सामाजिक पहल की शुरुआत की है। आरटीआई के चलते, समीर की जागरूकता के चलते रेलवे स्टेशन, नजदीकी अस्पताल पर एम्बुलेंस सेवा हर समय तत्पर रहती है। आज पूरे महाराष्ट्र में 937 एम्बुलेंस के साथ 108 हेल्पलाइन से पूरी एम्बुलेंस सेवा फ्री है, जिसके हजारों लोग उसकी मददगार हो रहा है। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पे एक इमरजेंसी मेडिकल रूम बना है 2011 में, और 15 और रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम अभी 6 महीने के अंदर बनने वाला है। हाईकोर्ट से फर्दर ऑर्डर आए, क्योंकि हमने वो भी आरटीआई से लिया कि ऐसे कितने स्टेशन है जहाँ 100 से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, वो स्टेशन के नाम सामने आए मुंबई के, तो बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा कि साहब हमको यहाँ भी मेडिकल रूम चाहिए, और जो सच था उसके हिसाब से आदेश पारित हुआ। समीर झावेरी आरटीआई के सिपाही बन चुके हैं, जो लोगों की मदद के लिए हमेशा आरटीआई का सहारा लेते हैं। तो ये थे मुंबई के आरटीआई के सिपाही, आरटीआई के योद्धा समीर झावेरी। और देखा आपने कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो कैसे वो बदलाव ला सकता है। इसलिए हम समीर झावेरी को निःशक्त नहीं बल्कि सशक्त आरटीआई एक्टिविस्ट ज़रूर कहेंगे। फिलहाल मुंबई से जानने का हक आपके शहर में आज बस इतना ही। अगली बार आपको देश के किसी और शहर में लिए चलेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।